कृष्णा हरे कृष्णा। तो लड़की का बनाना है टिफिन, फटाफट बनाया, एक साइड में चाय और रख दिया बटाटा उबलने के लिए, थोड़ा सा पवा भिगा के रख दिया, धो के मतलब ऐसे छान के रख लिया, पूरा पानी गल जाना चाहिए। इसमें जाएगा हरी मिर्ची, हरी धनिया और कड़ी पत्ता, आपको खाना है तो कड़ी पत्ता डाल दीजिए, उसका भी स्वाद अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीरा रहेगा और बटाटा जब उबल जाएगा, ठंडा हो जाए, उसको अच्छे से मसलना है, बटाटा और ये सारे सामान को डालकर, फिर लास्ट में नमक डालिए और गोल गोल राउंड बनाकर तल लीजिए। साथ में चलोगे, अच्छा जिस दिन मुझे लेट होगा ना, उसी दिन मेरे दिमाग में ना सारे खुराफात सोचते कि कुछ ना कुछ नया बनाना चाहिए। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, भाई होता होगा दूसरों के साथ भी, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन मुझे लेट होगा टिफिन बनाने के लिए, लेट हुआ मतलब आधा घंटा भी लेट उठी, उसी दिन मेरे दिमाग में आएगा कि मुझे कुछ नया बनाना है और ऐसे कंडीशन में बनाऊंगी भूतनी के जैसे। मेरी बहन हमेशा कहती है, तीखी मिर्ची नहीं खाई सीमा, मेरी बहन हमेशा कहती कि जब तेरे को घाई नहीं दे रहा तभी तेरे ना दिमाग में सब कुछ सोचता, तभी तेरे को सब कुछ परफेक्टली होना चाहिए। और जैसे मुझे लेट होता है वैसे मेरी लड़की को सबसे ज़्यादा लेट होता है, वैसे चाहे आधा घंटा लेट जाए लेकिन उसी दिन उसको लेट होगा। और आंधी बारिश तूफान आ गया, अच्छा खासा बारिश हो रही, ज़रूर हो रही, सावन का महीना, कुछ ना कुछ नया बनाते रहिए। तो हरी चर्चा की वीडियो आपने देखी कि नहीं देखी, देखी है तो क्यों पूरी वीडियो नहीं देखी, आधी अधूरी वीडियो क्यों देखी। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और कान्हा जी का नाम लेते रहिए। सुबह की ट्रेन मेरी ऐसी ही रहती है, एकदम फास्ट हम फास्ट चलती रहती है। तो फिर हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद नहीं भैया बनाते हैं, नहीं तो मेरी लड़की को होगा लेट। इसे किसी गोल राउंड नहीं होने देगा, आप चाहें कोई भी शेप दे सकते हैं, मैंने कभी नहीं रख लिया, इसको गोल शेप दो, टिक्की टाइप दो, चाहे जो बन जाता है फटाफट। अब खाने में टेस्ट कैसे रहेगा पता नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट टाइम बनाओ तो भी चाहे जैसा एक्सपीरियंस हो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मेरी बेटी का मुँह ऐसे बचकेगा जो मेरा लड़का देगा कमेंट, तो ऐसे इतना सारा मुँह बना के देगा वो, तो आपको पता ही है ना, तो पहले हम इसे बना लेते। और इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसमें कांदा लहसुन नहीं देते तो कान्हा जी को भूख भी लग जाता है। हरे कृष्णा। तो हम पीने जा रहे हैं चाय और ये सारे कपड़ों को करेंगे प्रेस, भाई चादर को नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत जन कहेंगे भाई चादर भी तो मैं इसलिए करती हूँ, नहीं नहीं हम चादर को प्रेस नहीं करते, हमारे यहाँ तो अभी नहीं होता बट ऐसे ही रखा है। सुबह सुबह का घाई का काम, मतलब सुबह थोड़ा लेट उठे सारा काम पूरा बिखर जाता है, तो हमने लगा दिया भोग और लड़की मेरी गई। अच्छा आप इसे ना बिना बेसन के भी बना सकते हैं, मैंने बाद में बिना बेसन के ही बनाया, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये था कि भाई फूटे नहीं, क्योंकि इतनी घाई थी कि पूछो मत। और मेरा दिमाग जब लेट हो जाता है तब भी दिमाग चलता है, मैं सिंपल रोटी भाजी भी बना सकती थी, बट ये हुआ कि थोड़ा सा कुछ तो नया करना चाहिए, ये दिमाग मेरा उल्टा ही चलता है, घाई मतलब जल्दी रहता है तभी होता है कि ये चीज़ भी बना सकते हैं और इसे करना है, क्या करें, थोड़े से खस के हुए दिमाग के समझ लो ये, मतलब घाई में ही मुझे सारी चीज़ें सोचती है, ये मेरी बहन भी बोलती है और मेरी फ्रेंड है ना, मतलब फ्रेंड अब तो पता नहीं कहाँ, बट वो भी हमेशा बोलती थी कि तेरा है ना हमेशा ना जब घाई रहेगा कहीं जाना रहेगा तभी सारे काम करना है, सब कुछ तभी करना है। और ये मेरी छोटी बहन भी अक्सर मुझे बोला करती है। बनाया है देखिए, मेरा लड़का रिव्यू देगा क्या कर कैसा बना है, मैं तो खाऊंगी अपनी बनाई हुई चीज़ तो सबको अच्छी लगती है भाई, मैं इसमें कोई क्यों बोलूँ कि भाई नहीं अच्छी लगती, अपनी बनाई हुई चीज़ चाहे जैसे हो, नमक तेल ज़्यादा हो तो भी चलते, इसके साथ आप चटनी बना लीजिए अच्छा लगेगा, क्योंकि भोग वाला मैं खाऊंगी तो मुझे जो अच्छा ही लगेगा। और भोग लगा दिए फटाफट बन जाता है, कान्हा जी भी खुश हो जाएंगे कि कुछ नया नया, कान्हा जी उसे हमारे परेशान हो जाते कि क्या क्या बनाती रहती है लड़की, चलता है। अब भाई इसमें भी मुद्दा मत बना दीजिएगा, इसमें भी मुद्दा ना बने कि मैंने लड़की बोला, भाई ए बुढ़िया, मैं खुद को बोलती हूँ ए बुढ़िया पता नहीं क्या क्या बनाती रहती, ये ठीक है ना एकदम परफेक्ट। और आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो पहले भी बोल चुका है दोबारा फिर बोलूँ तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और पूरा वीडियो देखिए। और गीता के ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाँ तो हमें रिव्यू देने, देखिए ये मेरी माँ ने अपना सुबह अपना हिस्सा खा चुकी है, खाया बेटा चार खाया, भोग लगाया हुआ, भोग लगाया हुआ खाया, अमृत खाया, और मेरे लिए यहाँ पे ये भी नहीं रख सकती, इसमें से भी बोल रही आधा रखो, आधा नहीं दो बोली, अरे जाओ छुट्टी में, देखो दो ही निकाला है वो भी निकाल के ले रहा है, राजन दे आके देखूं कैसा है। हाँ बताइए कैसा है, इतना मैंने आपको पहले ही बताया था, वो आप जरा आपको पता ही होगा इनके रिएक्शन से, ठंडा हो गया क्योंकि लिए सो के उठे 3 बजे, गर्म रहता है तो और अच्छा लगता है। रख देते भाई,
हमारे लिए भी अच्छा भी नहीं लग रहा फिर भी खा रहे हो। इनकी असलियत देखो। पोहा डाले हुए मैं पूछ चुका हूँ जी हाँ, पोहे का कोई स्वाद होता है? जी पोहे का कोई स्वाद होता है? इसमें आपके डर के वजह से मैंने ज्यादा चाट मसाला नहीं डाला। अगर चाट मसाला नहीं हो तो नींबू का रस भी गा सकते हैं। पोहे का क्यों नहीं था? खाली पोहा थोड़ी है, बटाटा भी है, हरी धनिया है, ये सारे स्वाद। खुद का? खुद का क्यों नहीं होता है? कैसा बना है? आप 3 बजे उठे हैं सो के, तो 3 बजे 3 बजे नहीं, 2:34 इधर हो रहा है और 3 बजे है। झूठ इधर से पकड़ा जाता है तो आप बताइए। नहीं नहीं झूठ पकड़ा गया। कितने बजे? व्यूअर सब देख लो, झूठी है मेरी माँ। बिल्कुल ठीक है। नहीं खा रहे हो ना? स्वाद नहीं है तो दे दीजिए मुझे। स्वाद तो पानी में भी नहीं होता है, पानी में होता है। हाँ ले लो ले लो ले लो ले लो दे दीजिए ले लो ले लो। अब वीडियो कट होने का ले ही लेती हैं। अच्छा ले लो लो अभी ले लो, आज वीडियो के सामने कैसे लेंगे। ये लड़का कभी भी रिव्यू ढंग का नहीं देता, खाएगा भर भर के, छोड़ेगा भी नहीं, लेकिन कभी भी ढंग का नहीं बोलेगा कि कभी बोले कि हाँ अच्छा बना है और खा भी लेगा, और जब नहीं बनाओ तो बोलेगा कुछ अच्छा तो बनाना चाहिए। तो इस तरीके से हाल है, आपके भी बच्चे ऐसे होंगे। इनकी गलती नहीं है क्योंकि ये इंजीनियर लोग है ना। मैंने आपको सुबह ही आप लोगों को बता दिया था, मैं तीसरी दफा फिर कह रही हूँ कि मेरा बेटा जब उठेगा तो वो कितना अच्छे से मुझे रिव्यू देगा, वो आप लोग खुद ही देख लीजिए। तो देखा आप लोगों ने कितना अच्छे से मुझे इसने रिव्यू दिया।